नमस्ते दोस्तों, मैं ललिता दहलान आज आपको बताऊंगी डाइटिंग टिप्स फॉर वेट लॉस, यानी कि आपको अपने खाने और पीने में किन किन खास चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए जिससे आपको वजन घटाने में मदद मिलेगी। तो इसके लिए आप मेरी वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहले हम कैसे जानेंगे कि हमारा वजन बढ़ रहा है? पहला, BMI द्वारा, यानी कि बॉडी मास इंडेक्स। अगर आपका BMI 25 से ज़्यादा है तो मतलब आपका वजन बढ़ रहा है। दूसरा है बॉडी फैट, यानी कि शरीर की चर्बी। जब हमारे शरीर की चर्बी बढ़ने लग जाती है, हमारे कमर का साइज़ बढ़ रहा है, हमारा पेट बढ़ता है, तो हमें पता चल जाता है कि हमारा वजन बढ़ रहा है। तीसरा है कैलोरी इनटेक, यानी कि हमारे शरीर को चलाने के लिए जितनी कैलोरीज की ज़रूरत है, जब वो कैलोरीज उससे बढ़ जाती है तो वजन बढ़ जाता है। BMI क्या है? BMI, ये जो BMI है वो हमें बताता है कि हमारा शरीर का वजन हमारी लंबाई के अनुपात में ठीक है या नहीं। अगर हमारे BMI नॉर्मल से ज़्यादा है, 25 से अगर ज़्यादा है, तो हमें बीमार होने की संभावना हमारी जो है बढ़ जाती है, जैसे BP, शुगर, थायराइड, और तो और हमारे बचने की संभावना भी कम हो जाती है। इसलिए हमें अपना BMI कंट्रोल करना चाहिए। अब अगर बात करें शरीर की चर्बी की, तो हमारे शरीर की चर्बी जब बढ़ती है तो वो एक तो हमारी चमड़ी के नीचे जमा होती है, जिसको हम सबक्यूटेनियस फैट बोलते हैं। दूसरी जमा होती है हमारे पेट के अंदर, जो खाली जगह है, जहाँ हमारे लीवर है, हमारी आंतें हैं, वहाँ पर चर्बी जब बढ़नी शुरू हो जाती है तो उसको हम विसरल फैट कहते हैं। तो इसलिए अगर हम अपने वजन पे काबू ना पाए तो हमारा विसरल फैट और सबक्यूटेनियस फैट दोनों ही बढ़ने लग जाता है। अगर कैलोरीज की बात करें तो हमें अपने खाने में डेली 2000 कैलोरीज चाहिए, जिसमें से 60-70%, यानी कि 1200 से 1400 कैलोरी तो खर्च हो जाती है हमारे अंगों को चलाने के लिए, जैसे कि सांस लेने के लिए, दिल को धड़कते रहने के लिए, और 10% खर्च हो जाती है खाने को पचाने के लिए। और बाकी बची 500 कैलोरीज वो हमारे हाथ में है कि हम उस कैलोरीज को कैसे बर्न करें जिससे हमारा वेट नॉर्मल रहे। उसके लिए मैं आपको खाने और पीने के वेट टिप्स बताऊंगी जिससे आप अपना वजन घटा सकते हैं और पतला हो सकते हैं। आपका BMI कंट्रोल होगा, आपका बॉडी फैट कम होगा और आपका कैलोरी इनटेक भी कम होगा। सबसे पहले आता है उसमें हमारा डाइटिंग टिप्स रिगार्डिंग ड्रिंक्स, यानी कि अपने तरल पदार्थों से जुड़े टिप्स। तरल पदार्थ जैसे चाय, पानी, जूस इत्यादि, आपको ये कैसे लेनी है, कब नहीं लेने हैं, उसके रिगार्डिंग टिप है। आपको सुबह उठकर खाली पेट हल्का गुनगुना पानी पीना है। नींबू डाल के भी पी सकते हैं, बिना नींबू के भी पी सकते हैं। खाने के बीच में पानी नहीं पीना है, खाने के आधे घंटे पहले या बाद में आप पानी पी सकते हैं, उसके बीच में नहीं। आप चाहे तो खाने के बीच में लस्सी ले सकते हैं बिना चीनी के, और आप ये आदत डालें कि आप खाने के 1 से 2 घंटे बाद पानी ज़रूर पिए, जिससे आपका डाइजेशन इम्प्रूव हो, और आप एडिड शुगर जैसे कि आइसक्रीम्स हैं, मिल्क शेक हैं, वो ना लें। अब हम बात करते हैं डाइटिंग टिप्स रिगार्डिंग फूड, यानी कि आपको खाने में जो जो आप रोटी सब्जी इस्तेमाल करते हैं उससे रिगार्डिंग आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, आपको क्या खाना चाहिए, कब खाना चाहिए और कैसे खाना चाहिए। सबसे पहली बात तो आपको बासी खाना नहीं खाना चाहिए, और बार बार गर्म करके भी खाना आपको नहीं खाना चाहिए। ओवर कुक्ड फूड आपको नहीं खाना चाहिए। रेडी टू मेक फूड जो पैक्ड फूड होते हैं वो आपको नहीं खाने चाहिए। खाने को कम से कम 32 बार चबाएं। ज़्यादा फ्राइड खाना ना खाएं, ज़्यादा मीठा खाना ना खाएं। जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स हैं, मैदा, सूजी, आप वो ना लेके कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स लें, जैसे कि व्होल ग्रेन्स, सीरियल्स। ये खाने में आप सैलेड को इंक्लूड करें और खाने के बाद वॉक करें। तो अब हम बात करते हैं वेट लॉस फॉर्मूला। जी हाँ, अगर आप अपनी कैलोरीज जो आप अपने खाने में लेते हैं, अगर आप वो कम लें और उससे ज़्यादा आप अपनी कैलोरीज को बर्न करेंगे, तो क्या होगा, आपकी बॉडी में कैलोरी डिफिशिएंट होगा, कैलोरीज की कमी होगी। उससे आपको वजन घटाने में आपको मदद मिलेगी। मतलब आप अपनी कैलोरीज कम लें, ज़्यादा खर्च करें, इससे आपका वजन जो है घटेगा और मोटापे से बच सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगली वीडियो में मैं आपसे फिर से मिलती हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।